आपकी नजरें होंगी हमारी आंखें और होगी आपके आसपास की फैल रही बीमारियों के उपचार की बात, होगी राजनीति, खेल और फिल्म जगत से जुड़ी तमाम हस्तियों की फिटनेस और बीमारियों के बारे में बात। हम बताएंगे कौन सा फल और कौन सी सब्जी बनेंगे आपके दोस्त और रखेंगे आपको बीमारियों से दूर। तो हो जाइए तैयार, एक खास प्रोग्राम को लेकर आ रहा हूँ मैं अंकुर अस्थाना और मैं रिजवान खान। इस प्रोग्राम का नाम है GST। नाना, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं बल्कि गुड सॉल्यूशन फॉर ट्रीटमेंट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल क्योरेन ही आयुर्वेदा में और मैं हूँ आपके साथ रिजवान खान। एक बार फिर हाजिर हूँ आपका खास प्रोग्राम हेल्थ बुलेटिन को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेल्थ बुलेटिन के जरिए हम आपको हर रोज की 5 बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं और ये 5 बड़ी खबरें वो होती हैं जो सारे दिन लाइमलाइट में बनी रहती हैं और साथ ही साथ आपसे जुड़ी हुई खबरें होती हैं, यानी कि किस तरीके से आपके इलाकों में स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रही है और किस तरीके से कौन कौन सी बीमारियां अपना पैर पसार रही हैं उनके बारे में हम आपको बड़े ही विस्तार से बताते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि किस तरीके से उन पर काबू पाया जा सकता है और स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अपना काम वहाँ पर कर रही है। तो आइए आज भी बिना देरी के हुए 5 बड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बड़ी खबर जो आ रही है वो आ रही है स्वाइन फ्लू को लेकर। दरअसल स्वाइन फ्लू लगातार पिछले काफी समय से अपना प्रकोप तेजी के साथ दिखाता जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग ने 6 मामलों की पुष्टि अब तक कर लिया है और साथ ही साथ इन जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर के अब स्वास्थ्य विभाग ने अपने डिपार्टमेंट को अलर्ट पर रख दिया है और अलर्ट जारी कर दिया है कि जल्दी से जल्दी इन सारे के सारे मामलों पर काबू पाया जा सके। तो आइए दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। पिछले कई दिनों से स्वाइन फ्लू अपना असर तेजी के साथ दिखाता जा रहा है जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अपना काम तेजी के साथ कर रहा है। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम स्वाइन फ्लू के 6 मामलों की पुष्टि कर चुका है। अचानक से मामलों के आने से हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट हो गया है। स्वाइन फ्लू को कंट्रोल करने को लेकर डिपार्टमेंट की ओर से टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है जिससे स्वाइन फ्लू का मरीज डायग्नोस होने पर उसे तुरंत ट्रीटमेंट दिया जा सके। इसके अलावा स्वाइन फ्लू की जाँच के लिए अलग लैब को शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि कम उम्र के व्यक्तियों, छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज को ये तीव्र रूप से प्रभावित करता है। इसका इन्फेक्शन रोगी व्यक्ति के खांसने, छींकने आदि से निकली हुई द्रव की बूंदों से होता है। रोगी व्यक्ति मुंह या नाक पर हाथ रखने के बाद जिस भी वस्तु को छूता है तो उस इन्फेक्टेड वस्तु को स्वस्थ व्यक्ति द्वारा छूने से रोग का इन्फेक्शन हो जाता है। संक्रमित होने से 1 से 7 दिन के अंदर सिम्टम्स पैदा होने लगते हैं। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि स्वाइन फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है, सभी मरीजों की हालत अब सामान्य है। इसके अलावा लोग जागरूक रहें, स्वाइन फ्लू और नॉर्मल वायरल के सिम्टम्स लगभग एक जैसे होते हैं, ऐसे में तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। विभाग के पास स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम है, ऐसे में लोग भी जागरूक रहें तो अच्छा रहेगा। इक्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट। और आइए अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दूसरी बड़ी खबर यह है कि मोदी केयर से लेकर इंद्रधनुष तक गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएगी अब मोदी सरकार, क्योंकि लगातार पिछले काफी समय से मोदी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफी ज्यादा कदम उठा रही है, नई नई पहल शुरुआत कर रही है और साथ ही साथ अब ये ठान लिया है कि जितना जल्दी हो सके गरीब लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाए और इससे वंचित कोई ना रहे। तो आइए दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली NDA सरकार ने भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बदलने के लिए कई पहल की हैं। मोदी सरकार NHPM यानी कि नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आपको बता दें कि मोदी सरकार की स्वास्थ्य संरक्षण मिशन की गिनती दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ पॉलिसीज के रूप में की जा रही है। इस मोदी केयर का लक्ष्य है देश के लगभग 40% आबादी को कवर करना, जिसमें हर गरीब और कमजोर परिवार को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंद्रधनुष योजना के माध्यम से 528 जिलों में टीकाकरण के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है और 3,15,00,000 से अधिक बच्चों और 80,00,000 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया है। सरकार ने हाल ही में आयुष्मान भारत
या नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन लॉन्च किया। आयुष्मान भारत ये सुनिश्चित करने का प्रयास है कि समाज के कमजोर वर्ग भी अपना इलाज करवा सके और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सके। इसी के साथ ही आइए अब बात करते हैं इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। SICC डेटाबेस में मौजूद योग्य फैमिली मेंबर ऑटोमेटिक रूप से कवर किए जाते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए परिवार द्वारा पैसे का भुगतान नहीं किया जाएगा। सभी पहले से ही मौजूदा स्थितियां पॉलिसी के पहले दिन से ही शामिल हो जाएंगी। लाभ कवर के मामले में प्री और पोस्ट हॉस्पिटल्स में भर्ती शामिल होगा। आप पूरे देश में सार्वजनिक या सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में जा सकते हैं और मुफ्त ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में इलाज कराने से पहले आपको जारी की गई ID दिखानी होगी। क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट। और आइए बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तीसरी बड़ी खबर है कान के कैंसर को लेकर। दरअसल जिस तरीके से आज के समय में कैंसर लोगों को तेजी के साथ अपनी चपेट में लेता जा रहा है, उसको लेकर लोगों के अंदर एक अलग ही दहशत का माहौल बना हुआ है। तो अब ऐसे में हम लगातार ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करते आए हैं, ब्रेन ट्यूमर के बारे में हम बात करते आए हैं, मेटास्टेटिक कैंसर के बारे में हम आपके सामने बात करते आए हैं, अलग अलग कैंसर के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन कान के कैंसर की ओर हम लोगों ने कम ही ध्यान दिया है और इसके बारे में बहुत ही कम ध्यान दिया भी जाता है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं जहाँ पर कान के कैंसर के मामले सामने आते हैं। लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कैंसर कैंसर होता है और कैंसर जानलेवा बीमारी होती है। तो ऐसे में कान के कैंसर के शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताते हैं। इस बात से तो आप भली भांति वाकिफ ही होंगे कि आज के समय में कैंसर एक ऐसी बीमारी बनती जा रही है जो लोगों को तेजी के साथ अपनी चपेट में लेती जा रही है। अब कैंसर किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन आज हम कान के कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि कान के कैंसर के मामले बहुत ही कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना भी हमारी सेहत पर भारी पड़ सकता है। कान में होने वाला कैंसर एक ट्यूमर के रूप में कान के अंदर और बाहर दोनों जगह पर हो सकता है। इन कैंसर्स की सेल को चिकित्सीय भाषा में शकाउमस सेल कार्सिनोमा के नाम से भी जाना जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कैंसर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगता है। किसी भी तरह का कैंसर होने से पहले कुछ जरूरी संकेत जरूर देता है, जिन्हें लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कान के कैंसर के कुछ शुरुआती सिम्टम्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर करने की कोशिश ना करें, वरना ये शरीर के बाकी हिस्सों में भी पहुँच सकता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कान में पानी जैसा लिक्विड या खून निकलता है, तो इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये कान के कैंसर का सबसे मुख्य लक्षण हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके कान में दर्द या इन्फेक्शन हो तो इसे अनदेखा ना करें या कोई मामूली प्रॉब्लम ना समझें, क्योंकि ये गंभीर समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर मुंह खोलते समय कानों में तेज दर्द होने लगे तो भी कान के कैंसर का खतरा हो सकता है, इसीलिए इस संकेत को अनदेखा बिल्कुल ना करें। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि अगर मरीज को पूरी तरीके से सुनाई देना बंद हो गया है तो ये कान के कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। इस तरह के मामलों में मरीज को अक्सर कान में दर्द के साथ ही सिर दर्द और चक्कर आने की शिकायत होती है। इसके अलावा मरीज के कानों का बजना, अल्सर की शुरुआत और ब्लड का निकलना जैसी समस्याएं भी देखी जा सकती हैं। अब अगर आपको ऐसी कोई भी सिम्टम्स नज़र आता है तो आपको बिना देरी के हुए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और वहां पर जाकर अपनी जांच करानी चाहिए, और अगर ऐसी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम सामने आती है तो तुरंत आपको ट्रीटमेंट भी कराना चाहिए। क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट। और आइए अब रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। चौथी बड़ी खबर है बादाम को लेकर। दरअसल बादाम का जिस तरीके से हम सेवन करते हैं, और हम सब जानते हैं कि बादाम हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन यहाँ पर हम बादाम के तेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि बादाम के तेल से हम अपने शरीर का मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, जिसको हम ये सोचते हैं कि यह हमारी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। और आप बिल्कुल सही सोचते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, लेकिन इसके साथ ही बादाम के तेल का सेवन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गुणकारी होता है। अब आइए अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि बादाम के तेल के सेवन करने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं। तो आइए देखें हमारी इस रिपोर्ट में। अक्सर आप देखते होंगे कि जब भी ड्राई फ्रूट्स की बात होती है तो बादाम का नाम सबसे पहले आता है।
ऐसा इसलिए भी क्योंकि बादाम खाने से शरीर को अनगिनत फायदे मिलते हैं। अब बादाम खाने के फायदों के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप इसके तेल के फायदों के बारे में जानते हैं? जी हाँ, बादाम का तेल न सिर्फ बालों और स्किन की मालिश के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि इसके सेवन से और भी कई सारे फायदे होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बादाम के तेल में खाना पकाकर खाने या इसे दूध में मिलाकर पीने से भी अनगिनत फायदे होते हैं। वैसे बादाम के तेल को साधारण भाषा में बादाम रोगन भी कहा जाता है। इसके सीधा बादाम खाने की तुलना में कई अधिक फायदे होते हैं। वहीं जो लोग बादाम रोगन का सेवन करते हैं, उन्हें इसके फायदों के बारे में अच्छे से मालूम होगा। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं बादाम के तेल या बादाम रोगन के फायदों के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बादाम के तेल में अगर आप अपने शरीर की मालिश करते हैं तो इससे आपकी हड्डियों में स्फूर्ति आती है। अब आप बड़े हो या बच्चे, ये तेल सभी तरह की उम्र के लोगों की हड्डियों में अच्छा माना जाता है। साथ ही ये उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। बादाम के तेल का रोजाना एक चम्मच सेवन करने से भी कई लाभ मिलते हैं। इसके अलावा अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो बादाम के तेल में ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं। ओमेगा 6 दिमाग की सेहत के लिए एक आवश्यक तत्व है। इससे दिमाग को पोषण मिलता है और दिमाग तेज होता है। साथ ही प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी बादाम का तेल किसी अमृत से कम नहीं होता। जी हाँ, गर्भावस्था में बादाम के तेल से सेवन से डिलीवरी के नॉर्मल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें मौजूद फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम और दूसरे पोषक तत्व माँ और बच्चे दोनों को फायदा पहुंचाते हैं। क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट। और आइए फाइनली बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। पांचवी बड़ी खबर है आपके इम्यून सिस्टम और दिल को लेकर के। जी हाँ, जिस तरीके से आज की हमारी लाइफस्टाइल तेजी के साथ बदलती जा रही है, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान तेजी के साथ बदल रहा है, उसके चलते हमारा इम्यून सिस्टम और दिल से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हमें घर कर जाती हैं। तो ऐसे में हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो आपके इम्यून सिस्टम यानी कि पाचन शक्ति और दिल को स्वस्थ रख सकती है। आइए दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में उस खास चीज को। सेहत के लिए जितना जरूरी हरी साग सब्जियां होती है, उतना ही जरूरी ड्राई फ्रूट्स भी होता है। हालांकि बहुत से लोग सुबह के समय नाश्ते में ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते भी हैं। उन्हें ड्राई फ्रूट्स में से है एक काजू, जो अधिकतर बच्चों को काफी हद तक पसंद होता है। लेकिन शायद आप काजू का सेवन तो रोज करते हैं, लेकिन आप इस बात से अभी तक अनजान है कि काजू आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। अगर आप वाकई में इस बात से अनजान है तो आज हम आपको काजू के फायदों से रूबरू करवाएंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काजू के सेवन से आप दिल से संबंधित रोगों से दूर रहते हैं, साथ ही हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बेहद कम बने रहते हैं। साथ ही आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम कर सकते हैं। इसके अलावा काजू में प्रोटीन की भरपूर मात्रा मौजूद होती है, जिसके सेवन से आपकी हड्डियां हमेशा मजबूत बनी रहती है, जो आपके लिए काफी हद तक फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि काजू के सेवन से आपकी पाचन शक्ति हमेशा मजबूत बनी रहती है, जिससे आप कई बीमारियों से बचे रहते हैं। इसके अलावा आपको भूख भी कम लगती है। तो वहीं आपको आगे बता दें कि काजू के सेवन से आपकी दांतें और मसूड़ें काफी हेल्दी बनी रहती हैं और आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचे रहते हैं। बेहतर होगा आप रोजाना सुबह के समय 6-7 काजू का सेवन करना ना भूलें, ताकि खुद को हेल्दी बनाए रखें। क्यूरन हेल्डेक्स से रानी की रिपोर्ट। तो ये थी आज की पांच बड़ी खबरें जो सारे दिन लाइमलाइट में रहेंगी और साथ ही साथ आपके लिए भी ज्ञानवर्धक रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने बात की है कैंसर को लेकर के, इम्यून सिस्टम को लेकर के, दिल से संबंधित बीमारियों को लेकर के, और साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपको अपनी चपेट में ले सकती हैं। ऐसे में आपको सावधान होने की जरूरत है, साथ ही साथ आपको हमेशा जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको कोई भी छोटी सी बीमारी आपके अंदर अगर घर कर जाती है तो आगे चलकर कब खतरनाक रूप धारण कर ले, इसके बारे में कोई नहीं जानता। ऐसे में आपको हमेशा अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना है, अपने खान पान पर ध्यान देना है, साथ ही साथ आपका रहन सहन कैसा है उसको लेकर आप हमेशा एक्टिव रहें। और अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आप फिर इन सारी बीमारियों से काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। और ऐसी ही हर जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल क्यूरेन ही आयुर्वेदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ऐसी ही सारी की सारी जानकारियों को अपने करीबियों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसी ही हर अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।